गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज विकास यादव एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिसेप्टर रेगुलेशन. अब ये रिसेप्टर रेगुलेशन क्या चीज होता है, पहले मैंने आपको बताया था एडनोरिसेप्टर्स और सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या कैसे काम कर रही होती है. रिसेप्टर रेगुलेशन कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि ड्रग टॉलरेट कर गए, या किसी मेडिसिन को किसी कोई पर्सन है उसे मेडिसिन कोई मेडिसिन लंबे समय तक दी जा रही है तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो मेडिसिन टॉलरेट कर गई. तो टॉलरेट क्यों हो जाता है, टॉलरेट करने का मतलब ये हुआ कि वो जो रिसेप्टर उस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से रिस्पॉन्स दे रहा था, अब उस रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया या कम कर दिया. तो वहां पे एक घटना आती है, डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर. डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिसेप्टर है वो पर्टिकुलर मेडिसिन या एगोनिस्ट से एक इफेक्टिव रिस्पांस नहीं दे रहा है. मींस रिसेप्टर लॉस द रिस्पांस बाय एगोनिस्टिक ड्रग्स इज नोन एज डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर. सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था कि रिसेप्टर से कोई एगोनिस्ट जैसे फिनाइलेप्टिन, पेंडोलपिन, आइसोमेटाप्रोलोल, क्लोनिडीन, पहले क्या हो रहा था कि जब ये मेडिसिन रिसेप्टर एडनोरिसेप्टर से जाकर के बाइंड करती थी तो एक डेफिनेट रिस्पांस आता था, लेकिन जब लंबे समय तक उस मेडिसिन का यूज किया गया तो देखा गया कि कुछ समय के बाद अब रिस्पॉन्स आना बंद हो गया. इसी को हम कहते हैं क्या, डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स. क्या कहते हैं, डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स. तो डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग टॉलरेंस. ड्रग टॉलरेंस की जो घटना है वो डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स के अंतर्गत ही आती है. अब ये डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स में हम देखेंगे कि देर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ डीसेंसिटाइजेशन. फर्स्ट वन इज होमोलॉगस, डीसेंसिटाइजेशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोलॉगस. Homologous desensitization and second one is heterologous desensitization.
तो होमोलॉगस डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और हेट्रोलॉगस डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। होमोलॉगस डिसेंट्रलाइजेशन, होमोलॉगस डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारी सेल, इस सेल की सरफेस पे मौजूद ये रिसेप्टर्स और इससे बाइंड होने वाला ये आपका एगोनिस्टिक एजेंट्स होमोलॉग और डिसेंट्रलाइज। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एगोनिस्ट अगर इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो इस रिसेप्टर में कुछ ऐसा चेंज हो जाना जिसकी वजह से इस एगोनिस्टिक ड्रग के प्रति इसका रिस्पांस कम हो जाए या खत्म हो जाए। दिस इज नोन एज होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। इट मींस होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन रिफर्स टू लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एक्सक्लूसिवली ऑफ द रिसेप्टर दैट हैव बीन एक्सपोज्ड to repeated or sustained activation by an agonist। कहने का मतलब ये हो गया कि homologous, जैसे ये आपका receptor है, इस receptor से ये आपका agonist bind कर रहा है, बार बार ये agonist आपको दिया जा रहा है, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि इस receptor में कुछ ऐसा conformational change हो गया कि उस agonist के प्रति इसका response खत्म हो गया। This is known as homologous desensitization। अब ये homologous desensitization क्यों होता है? जैसे आप बीपी की दवा दसियों साल से खाए जा रहे हैं, एटनोलॉल हाइपरटेंशन की दवा आप लंबे समय से खाए जा रहे हैं, एटनोलॉल इज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, उसको आप लंबे समय से यूज किए जा रहे हैं, 8-10 सालों बाद आप देखेंगे कि अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा दवा लेने से, या डायबिटीज की कोई दवा लंबे समय से आप ले रहे हैं तो कुछ समय के बाद उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं तो कुछ लंबे समय बाद अपना रिस्पॉन्स नहीं देती, तो उसमें ड्रग की कोई गलती नहीं है, ड्रग जो पहले थी वही आज भी है। जो रिसेप्टर आपका उस ड्रग से पहले अफेक्टेड होता था, अब उस रिसेप्टर ने उस ड्रग के प्रति अपना रिस्पॉन्स देना खत्म कर दिया या कम कर दिया। This is known as desensitization। अगर कोई रिसेप्टर इफेक्ट देना बंद कर दे रहा है उस पर्टिकुलर एगोनिस्ट के प्रति जिसके प्रति वो पहले रिस्पॉन्स देता था, उसे हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। अब ये होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्यों होता है? होता क्या है कि एक प्रोटीन होती है जीआरके, अगर मान लिया हम बात करते हैं जी प्रोटीन, हम चलिए बात करें किसके बारे में, जीपीसीआर। ये क्या आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जीपीसीआर,
एगोनिस्ट आकर के यहाँ जुड़ा, एगोनिस्ट जुड़ा, ये चीज एक्टिवेट हुई, ये एक्टिवेट हुई तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन में तीन सब यूनिट, बीटा, गामा एंड अल्फा, कल मैंने आपको पहले बताया था। अब एक है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, ये सिंपल सा एक एंजाइम, ये सिंपल सा काइनेज, सिंपल सा एक एंजाइम, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेज, जी आर के। तो ये देखा जाता है कि बहुत बार एडेनोसेप्टर्स या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के जो डोमेन अंदर की तरफ होते हैं, जो डोमेन अंदर की तरफ होते हैं, उधर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जी आर के फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। द मेन कॉज ऑफ होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंटरनल डोमेन ऑफ जीपीसीआर बाय द इफेक्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। मतलब कि होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज की वजह से जो अंदर का पोर्शन है जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, उसका क्या हो जा रहा है, फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जा रहा है, फॉस्फोराइलेशन। जनरली ये फॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब एगोनिस्ट यहां आकर के जुड़ा होता है, जब एगोनिस्ट यहां आकर के जुड़ा होता है। इट मींस जी आर के या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज समटाइम कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंटरनल डोमेन ऑफ जीपीसीआर, दैट इज एडेनोसेप्टर्स। क्लियर। ये भी देखा गया है कि जब ये होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की घटना होती है, तो होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की घटना के परिणाम स्वरूप ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर की एफिनिटी, इस रिसेप्टर की एफिनिटी बीटा एरेस्टिन, एक प्रोटीन होता है बीटा एरेस्टिन, उसके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बीटा एरेस्टिन क्या काम करता है, बीटा एरेस्टिन एक्टिवेट क्लैथरिन एंड दिस सिस्टम एक्टिवेट द इंडोसाइटोसिस ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो सरफेस पे मौजूद है। क्या हो गया, इसका जो अंदर की सरफेस है वो क्या हो गई, फॉस्फोराइलेशन, कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। फिर उससे क्या जोड़ा, बीटा एरेस्टिन। अब उससे क्या जोड़ा, क्लैथरिन। इन सब घटनाओं की वजह से उस रिसेप्टर की एंडोसाइटोस, मतलब जो प्रोटीन पहले बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ, जैसे एंडोसाइटोस, उस रिसेप्टर को हमारी सेल अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेती है, जैसे एंडोसाइटोस। इट मीन्स due to homologous desensitization the G protein coupled receptor attach with beta arrestin, the beta arrestin further activate clathrin and this assembly
कॉज इंडोसाइटोसिस ऑफ रिसेप्टर. क्लियर? इसके बाद है आपका हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन. हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में एगोनिस्ट जब बाइंड हुआ तो एगोनिस्ट के बाइंड होने की वजह से प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज सी will be activate, उससे cyclic AMP का level बढ़ा. इस cyclic AMP ने क्या करा दिया? Phosphorylation. Means in heterologous desensitization, accumulated secondary messenger such as cyclic AMP cause phosphorylation of receptor protein. This is known as heterologous desensitization. This is known as heterologous desensitization. और हमारा नया टॉपिक है क्या? एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म. एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब क्या हो? पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फिज्म. सिंपल सा हिंदी में कहें बहुरूपिया. शुद्ध हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? बहुरूपिया. एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म. हमने एडेनोसेप्टर के बारे में पढ़ा अल्फा वन. हमने पहले पढ़ा कि एडेनोसेप्टर में होते हैं आपका अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा में अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा में बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, फिर अल्फा वन में तमाम सब टाइप्स होती हैं. तो ये देखा जाता है कि एडेनोसेप्टर्स क्या है? प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की एक लंबी चेन. तो ये देखा जाता है कि अगर अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो एडेनोसेप्टर्स, एक ही एडेनोसेप्टर कई पॉलीमॉर्फिक फेज में आ जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिक. मींस जो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन को बना रहे हैं, अगर उनमें हल्का सा वेरिएशन हो गया तो जो एडेनोसेप्टर था उसके टाइप में थोड़ा चेंज हो जाएगा. दिस इज नोन एज एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म. ये एडेनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म जरूरी है
या एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है किस पे, डिजीज स्टेटस पे। और ऐसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कम होती, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कैंसर की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी, कुछ में ऐसा होगा कि किसी दवा पे कम डोजिंग पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, कुछ में ज़्यादा डोजिंग पे रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एक ही क्लास का रिसेप्टर कई अलग अलग फॉर्म में मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एडनोसेप्टर पॉलीमॉर्फिज्म। इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज अलॉन्ग विद इफेक्ट ऑफ ड्रग, दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद हमें डिस्कशन करना है नार इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। जब मैं आपको एडेनोसेप्टर्स के बारे में बता रहा था तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट साइनेप्टिक साइट पे कुछ इस तरीके से होता था, जब ये वेसाइकल में कैटेकोलामिन तथा नारेपिनेफ्रिन एटीपी फास्फेट वगैरह यहाँ आते थे, एक्सोसाइटोसिस की घटना होती थी और यहाँ पे ये रिलीज हो जाता था, क्या नारेपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद इसने अपना एक्शन दिया और यहीं पे कुछ और चैनल होते थे जिन्हें क्या, जिन्हें हम बोलते थे क्या, NET, नार इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। उनका काम क्या होता था, इसको बैक नार इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो कैटेकोलामिन होता था रिलीज होता था उसको रिवर्स बैक कर लेते थे, रिवर्स बैक। तो इस तरीके से ये देखा गया है कि 90% के आसपास रिसेप्टर, खासतौर पे हार्ट की सेल्स, जो हमारी हार्ट की सेल्स होती हैं वहाँ पे खासतौर पे देखा गया है कि 90% ऑफ रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से रिवर्स बैक हो जाते थे और जो 10% वहाँ यहाँ बचे वो कुछ थोड़े बहुत यहाँ से हट के ब्लड सर्कुलेशन में आ गए, कुछ डिग्रेड हो गए, इस तरीके से होता। तो इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, नॉन इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अब इस नॉन इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर पे तमाम दवाएं अपना अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। कैसे डालती हैं इफेक्ट, जैसे आपका कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये क्या काम करेंगे, ये जाकर के चुपचाप ये लोग इसको जाकर के ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या नारेपिनेफ्रिन अंदर जा पाएगा, दोबारा अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे लंबे समय तक पड़ा रहेगा। तो जब लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो रिस्पॉन्स इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कोकीन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। दीज इनहिबिट रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामिन्स एट द नार इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर साइट। एक और होता है आपका टायरामीन एम्फेटामीन, टायरामीन एम्फेटामीन, ये क्या काम करते हैं, एम्फेटामीन वगैरह ड्रग एब्यूज में आते हैं, ड्रग एब्यूज में
ये भी नार इपिनेफ्रिन के यहाँ कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन कैसे बढ़ाते हैं? ये चुपचाप चले जाएंगे कहाँ? एनईटी के द्वारा कहाँ जाएंगे? एनईटी के द्वारा यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से फिर वो सीधे चले जाएंगे यहाँ कहाँ? वेसाइकल्स के अंदर, वेसाइकल्स के अंदर आएंगे और वेसाइकल के अंदर जो नार इपिनेफ्रिन उसको वहाँ से भगा देंगे। वो वहाँ से फिर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा कहाँ? यहाँ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टायरामीन एंड एम्फिटामीन। तो ये ध्यान रखिए कि नार इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को कोकीन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जाकर के ब्लॉक कर देते हैं। जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो कैटेकोलामींस रिअपटेक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नार इपिनेफ्रिन यहाँ लंबे समय तक एजिटेशन बना रहेगा, तो रिस्पॉन्स में चेंज आएगा। दूसरी चीज, टायरामीन और एम्फिटामीन ये क्या काम करते हैं? ये भी नार इपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। बट जैसे हमने आपको पहले बताया था कि नार इपिनेफ्रिन का रिलीज होना कैल्शियम चैनल पर भी डिपेंड करता है। कैल्शियम यहाँ बहुत तेजी से आएगा बाहर से अंदर की तरफ और इसको प्रमोट करेगा यहाँ, तब ये बाहर गिरेगा। कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन टायरामीन एम्फिटामीन कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट नहीं डालते, वो यहां से सीधे एनईटी के द्वारा जाएंगे कहां? यहां प्री साइनेप्टिक सेल्स पे, वहां से वो वेसाइकल्स के अंदर जाएंगे और वेसाइकल्स के अंदर पहुंच के वो जो वहां नारिपिनेफ्रिन पहले से पड़ा हुआ उसको वहां से भगा देंगे, वो रिलीज हो जाएगा इधर। इन दोनों तरीकों से यहाँ पे नारिपिनेफ्रिन की जो क्वांटिटी होगी या उसका कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, द फंक्शन ऑफ नारिपिनेफ्रिन एंड डोपामिन ट्रांसपोर्टर इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल ब्लॉकेज कैन अकाउंट फॉर। फॉर एग्जाम्पल, सम इंटरवेंशन मे एक्चुअली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर सो द इंट्राड्यूरल न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज। ऐसे ही अगर आपका डोपामिन का रिअपटेक हो गया तो उसे हम क्या नाम देंगे? डैट, डोपामिन ट्रांसपोर्टर। क्या कहेंगे? डोपामिन ट्रांसपोर्टर। तो इस तरीके से अब इस एक तरीके से अगर देखा जाए तो टायरामीन, कहने का मतलब ये हो गया कि टायरामीन, एम्फिटामीन और कोकीन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ये सब के सब कंसंट्रेशन को यहाँ बढ़ाती हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। तो ये आपका आज का टॉपिक है। अब इसके आगे एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ होंगे। एक चीज और आता है, सेलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, सेलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर। जैसे कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अल्फा वन पे इफेक्ट डालेंगी, अल्फा टू पे कम डालेंगी या बीटा पे ज़्यादा डालेंगी। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिव होती हैं कि वो अल्फा वन पे इफेक्ट डालेंगी या अल्फा टू पे इफेक्ट डालेंगी या बीटा वन पे या बीटा टू पे या बीटा थ्री पे। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिव नहीं होती, वो अल्फा पे भी इफेक्ट डाल देंगी, कुछ हद तक बीटा पे भी इफेक्ट डाल देंगी। तो हमें जो नेक्स्ट लेक्चर हमको देखना है उसमें हम ये देखेंगे कि सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं। तब तक के लिए आपका आज का लेक्चर है, इससे आगे हम पढ़ेंगे ब्लॉकिंग एजेंट और सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव एजेंट। थैंक यू।